हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और लाई हूँ आज आपके लिए इमला का वीडियो जो क्लास सिक्स, सेवन्थ और एट्थ के बच्चों के लिए है। और ये है चैप्टर मेरी माँ, ये इसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, 6, 7, 8 वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो मैंने बनाया है कक्षा 6 की अक्षरा नामक किताब से जो यूपी में चलती है। तो इंस्ट्रक्शन आप जानते ही हैं, जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनकर साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। कोशिश करिए ईयरफोन्स यूज़ कर लीजिए, उससे मेरे शब्द आपको साफ साफ सुनाई देंगे। लिखते समय विराम चिन्हों को लगाने का नहीं भूलना है, विराम चिन्ह आपको लगाने हैं। और जैसे मैं प्रोनाउंस करूँगी आप कोशिश करिए उसी तरह से बोलने का, गलत सलत मत बोला करिए। सा, श, अंकी बिंदी या बहुत सारे ऐसे शब्द उनको बोलने में आप गलती करते हैं ना, उनको भी सुधारिए। जैसे मैं बोलती हूँ उसी को फॉलो करिए, उसी तरह से बोलना शुरू करिए, जिससे आपकी हिंदी के बोलने में भी, उच्चारण में भी सुधार होगा। क्योंकि आप लिखते तभी सही हैं जब आपकी बोली शुद्ध होती है। अगर आप बोलना ही शुद्ध नहीं सीखेंगे तो लिखने में कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये भी कहना चाहती हूँ कि उन्हीं चैनल्स को देखिए, उन्हीं लोगों को फॉलो करिए जो आपको शुद्ध बोलना भी सिखाते हैं काम की चीज़ों के साथ साथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इमला बोलूँगी। आप लोगों को लिखना है उससे पहले भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये मुझे बहुत पसंद है कहना। और मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि लाइक दे दिया करो मुझको, मेरे वीडियोज़ को अपने ही क्लासमेट को शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत करके जब वीडियो बनाती हूँ तो उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, उसको व्यूअर्स मिल रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ से, लोगों का फ़ायदा हो रहा है। चलिए लिखना शुरू करिए। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला इस जन्म में तो क्या, इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे उऋण नहीं हो सकता जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है
वह अवर्णनीय है। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अन्य जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे उऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक नत हो जाता है
हो जाता है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री आत्मिक आत्मिक धार्मिक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति तथा सामाजिक उन्नति में तुम मेरी सदैव सहायक रही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें यही इच्छा है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री आत्मिक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें यही इच्छा है। आज का इमला का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और ये पैराग्राफ जो है वो बेस्ट पैराग्राफ है मेरी लाइफ का। और इसको जब मैंने पढ़ा, ये लिखा था शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माता जी के लिए, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम है मेरी माँ। और ये पढ़ के मुझे अपनी मम्मी याद आ गई, मतलब मम्मी कहीं गई हुई हैं। तो मेरी मम्मी का भी बहुत सहयोग रहा मेरी पढ़ाई में, मुझे बनाने में, या जो भी कुछ अच्छी बातें मुझे आती हैं या जितनी बुराइयों से हम निकल पाए, मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी का ज़्यादा योगदान रहा है उन सब चीज़ों में या हम यहाँ तक पहुँचे। तो किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी का बहुत सपोर्ट है उनको और उनकी मम्मी उनके लिए जो है वो मतलब दुनिया में बेस्ट हैं,
वैसे तो मम्मियाँ सभी की बेस्ट होती हैं, सभी को अपनी माँ बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन किन किन को ऐसा लगता है कि हाँ अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, या आज मैं ऐसा नहीं होता, या चीज़ें ऐसी नहीं होती, या लाइफ ऐसी नहीं होती, किन किन को ऐसा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।